नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, क्लिक करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में मशीनरी सिस्टम से हार के बाद अब समाजवादी पार्टी ने जहां सवाल खड़े किए, तो वहीं दंगे की बन गई सिचुएशन। मेरठ में दो गुट आपस में दो समुदाय भिड़े, हारे हुए प्रत्याशी ने किया पथराव, जमकर माहौल तनावपूर्ण बन गया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से समन। हार के बाद तिलमिलाई है पूरी तरीके से, भाजपा हर तरीके से दबाव प्रेशर चल रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट, भाजपा पर कैसे भारी पड़ गया मुफ्त स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 को लेकर कांग्रेस ने कस ली है कमर। बताएंगे किन किन मुद्दे पर। सबसे बड़ा खुलासा, जंतर मंतर पे फिर से रात को किया गया था हमला, पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। कहा बीती रात धरने को खराब करने आए थे माहौल, वीडियो फोटोज खींचा तो भाग निकले। इस बीच अगली बड़ी खबर बताएंगे, जहां मणिपुर में फिरहंसा, जला दिए गए कई मकान, शाह से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, दंगे जैसे सिचुएशन देखे करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां मेरठ में दंगे की खबर निकल के आई है, जहां हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी आपस में भिड़े, सड़क पर उतरे समर्थक, जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया और इस बीच चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य के अलग अलग जगहों पर हिंसा की छिटपिट घटनाएं सामने आईं। मेरठ की जली कोठी इलाके में चुनावी रंजिश में प्रत्याशियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। कुछ देर के लिए इलाके में तनाव कायम हो गया, हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक वार्ड 65 से AIMIM के प्रत्याशी इल्मास 11 वोटों से चुनाव जीत गए थे। बसपा प्रत्याशी ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी। बसपा प्रत्याशी और तुफैल की पत्नी चुनाव मैदान में थी। बताया जा रहा है कि तुफैल इससे पहले खुद चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। इस बार उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो भी हार गई। वो चुनाव हारने पर तुफैल ने इलाके के इरफान प्रधान पर कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। तुफैल के मुताबिक चुनाव हारने के लिए इरफान प्रधान ने साजिश रची थी। इस बीच कुछ लोग जीत का जश्न मना रहे थे, साथ ही तुफैल को चिढ़ा रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि तुफैल और उनके दूसरे हारे हुए पक्ष आमने सामने हो गए। हालांकि तुफैल पक्ष के लोगों ने पहले इरफान के लोगों पर पत्थरबाजी की, तो हालात ये भी ख़राब निकल गया। हालांकि अब जो है वो दोनों पक्ष शांत हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर ली और पत्थरबाजी जैसी सिचुएशन हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर धांधली का आरोप लगाया और कई अधिकारियों की हिटलिस्ट भी तैयार कर रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के जरिए मशीनरी के जरिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उन्होंने इस तरीके से बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां आपको बता दें मणिपुर में फिर हिंसा, जला दिया गया कई मकान, शाह से ताबड़तोड़ मिलने पहुंचे दिल्ली पहुंचे मणिपुर के मुख्यमंत्री। मणिपुर में हिंसा की आग अभी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। शनिवार रात बिष्णुपुर में चरा चांदपुर इलाके में लगभग आधा दर्जन घरों को फिर जला दिया गया। हालांकि आपको बता दें, इस घटनाओं पर किसी की मौत की जानकारी नहीं है। तोरबंग इलाके में आधी रात कुछ उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दिया। घटना की जानकारी के बाद VSF की दो टुकड़ियों वहां तैनात की गई, इसके अलावा तीन अन्य टुकड़ियों को भी तैनात किया गया। आपको बता दें, कांकुपोड़ी जिले में साइपेस पुलिस स्टेशन के पास भी एक टूकर में आग लगा दी गई थी। बता दें, मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है, वहां पर मैतई समुदाय को ST की सूची में शामिल होने को लेकर बवाल हो रहा था और अब तक हिंसा में 73 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी और 250 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, तो हालत बेहद ख़राब है। अब कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें अमित शाह से मिलने के बाद। हालांकि कुछ लोग जो है वो इस पूरे मामले में नए राज्य की मांग भी कर रहे हैं। एक और अपडेट, जंतर मंतर बैठे पहलवानों का चौंकाने वाला खुलासा। कहा बीती रात धरने को खराब करने आए अज्ञात लोग, फोटो और वीडियो खींची, विरोध करने पर भाग लिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बिजभूषण सरसिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का 23वां दिन रहा। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बीती रात के उनके धरने को खराब करने की कोशिश की गई, कुछ बाहरी लोग लगातार धरनास्थल के पास सक्रिय। उन्होंने कहा है कि बीती रात कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां आए और हमारे फोटोज और वीडियोज रिकॉर्डिंग की, मना करने पर ये सब चीज़ें चुपके से खींची गई। धरनास्थल पर महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ बाहरी महिलाओं ने सोने की कोशिश की, किसी तरीके से हमने मना कर उन्हें बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, इसलिए मीडिया यहाँ रहे ताकि पिछली बार की तरह कोई बात हो तो तत्काल देशवासियों के सामने आ जाए पूरा मामला। साक्षी मलिक ने कहा है कि अब तक आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जंतर मंतर को धीरे धीरे पुलिस ने जेल का रूप दे दिया है। अब ये आवाज़ देश की गली गली में तो गूंजेगी, बल्कि विदेशों में ही इसकी लहर दौड़ेगी। विदेशों में भी ये एथलीट हैं, अधिकांश हमारे संपर्क में, और अब 6 बजे जो है कनॉट प्लेस पर खिलाड़ी जाएंगे और लोगों से अपनी बात करेंगे। इस तरीके से जो है वो एक नए अध्याय के तौर पर इस प्रोटेस्ट को ले जाने की तैयारी है।
अगली एक और अपडेट, क्रूज शिप ड्रग्स केस सेटल केस मामले में चौंकाने वाला सीबीआई का खुलासा। 25 करोड़ मांगे थे समीर वानखेड़े को लेकर सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा। सीबीआई ने मुंबई एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत चार लोग, इसमें विश्व विजय सिंह तत्कालीन सुपरिटेंडेंट एनसीबी, आशीष रंजन तत्कालीन इंटेलिजेंस अधिकारी मुंबई एनसीबी, केपी गोसावे, संविले डिसूजा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर 29 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें सभी आरोपियों में केपी गोसावी वही शख्स है जिसकी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ फोटो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच के बाद सीबीआई के इस मामले की जांच के लिए आग्रह किया था। जांच में सामने आया कि मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और दूसरे आरोपियों केस नंबर 94221 जो एनसीबी ने दर्ज किया है, उसके सेटल के करने की एवज में तमाम तरीके की रिश्वत डिमांड की थी। कुछ पैसा रिश्वत के तौर पर लिया भी गया था। तो इस तरीके से अब खुलासा हुआ है जिसको पूरे मामले में जो है वो ये चीज़ें देखने को मिली और अब सिचुएशन बढ़ गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, भाजपा पर भारी पड़ रहा मुफ्त स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम भी बढ़ाएगी टेंशन। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ उतरने की तैयारी। कर्नाटक की फसड्डी साबित हुई, भाजपा भी अब आत्ममंथन कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उन्हें कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मुफ्त की स्कीम में नुकसान हुआ। महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और 2000 रुपये के कांग्रेस के वादे ने भाजपा को 2024 के आम चुनाव के लिए आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के इस तरीके के लोक लुभावन उपायों से निपटने के लिए उन्हें रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। हालांकि ये और बात है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन उपायों की घोषणा की, पर सभी के लिए मुफ्त करने से कतराई और इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की चिंता रही और इसके लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और पूरा विपक्ष 2024 से ठीक पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी जो है वो की जा रही है। आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों बिहार नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार, जेडीयू प्रदेश कार्यालय में लगाए गए पोस्टर ने उठाए कई सवाल। जी हां, दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और उन्हें पीएम बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में लगाया गया एक नया पोस्टर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर कई सवाल खड़े करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 महीने पहले पिछले 9 अगस्त 2022 से बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इसके बाद वे बीजेपी को हराने के लिए लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगे रहे। उस वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन आपको बता दें एक पोस्टर लग गया, 2024 आ रही जनता की सरकार। जीत नारायण मंडल ने यह पोस्टर लगाया है जिनमें नीतीश कुमार को संसद भवन के पास खड़े हुए दिखाया गया है। ऐसे में अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या नीतीश बाबू दिल्ली छोड़कर अब जाने की तैयारी में हैं, बिहार छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी में है। तो ये सारी चीज़ें कई तरफ इशारा कर रही है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।